मॉनिटर एंट्स चींटी प्रजाति की सबसे फियर्स मानी जाने वाली स्पीशीज में साइंटिस्टों ने एक एबनॉर्मल सा फिनोमेनन ऑब्जर्व किया। कभी कभी ये चींटियां अपने खुद के साथियों को ही अपनी कॉलोनी से दूर ले जाकर यों फेंक देती है। वजह, कुर्बान की हुई चींटी का एक जिंदा जॉम्बी बन जाना बिकॉज ऑफ द इनफेमस जॉम्बी एंट फंगस कॉर्डिसेप्स। अब मजे की बात यह ना फ्रेंड्स, 2013 में एक अमेरिकन सीरीज लॉन्च हुई थी लास्ट ऑफ अस करके। इस मूवी ने यह प्रेडिक्ट किया था कि 2023 में कॉर्डिसेप्स फंगस इंसानों में एक जॉम्बी एपोकैलिप्स ले आएगा। और अगर आप पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म्स को देखो, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो या फिर वायरसेस, ये अपने होस्ट्स को स्विच करने के लिए काफी बदनाम है। फॉर एग्जाम्पल HIV को ही ले लो। सबसे पहला इसका ओरिजिन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जैसे कि एप्स में हुआ था। लेकिन तब लोगों की धारणा यह थी कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम एप्स के इम्यून सिस्टम के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर 20th सेंचुरी आते आते इसने ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया और आज एड्स एक जानलेवा बीमारी बन चुकी है। एक और एक पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई करके, जो पहले सिर्फ चूहों को इन्फेक्ट करता था, लेकिन रिसेंटली कंडक्टेड एक रिसर्च के अनुसार ये इंसानों के दिमाग को भी अब कंट्रोल करने लगा है और इसके इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों के रोड एक्सीडेंट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ने लगे। साइंटिस्टों के अनुसार आज 60% ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलरेडी इस पैरासाइट का शिकार हो चुका है। जरा समझना ये पैरासाइट इंसानों को कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये पैरासाइट चूहों के दिमाग को मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंजली वो अपने सबसे बड़े प्रेडेटर बिल्लियों के आसपास भटकने लगते हैं और फिर ऑफकोर्स वो बिल्लियों का शिकार बन जाते हैं। अब जैसे ये पैरासाइट किसी बिल्ली के अंदर पहुंचता है, वो वहां रिप्रोड्यूस करके बिल्लियों के फीकल मैटर से बाहर आता है और उसके बाद ये पैरासाइट किसी वाटर बॉडी या फिर इन्फेक्टेड फल सब्जियों के जरिए इंसानों के बॉडी में एंटर करता है और फिर इंसानों के अंदर जाते ही उनके ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट करके उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है और नतीजन इसका होस्ट बॉडी बहुत सारे खतरनाक एक्सीडेंट्स का शिकार होने लगता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, प्राग में हुए स्टडी में रिसर्चर्स ने 446 लोगों का सर्वे किया, जिसमें से करीब 146 लोग रोड एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व थे। इस सर्वे में उन्होंने हर एक पार्टिसिपेंट के अंदर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लेवल्स को डिटेक्ट किया एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। जो लोग एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व थे उनमें बाकी लोगों की तुलना में टॉक्सोप्लाज्मा काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद था। और जब इन पेशेंट्स पर डिटेल में स्टडी किया तब क्लियर एसोसिएशन सामने आया कि यस, टॉक्सोप्लाज्मा उनके एक्सीडेंट्स का मेजर रीजन था। ऐसा इसीलिए क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्टेड लोगों के रिएक्शन टाइम को स्लो करता है, जिसकी वजह से लोग समय रहते एक्सीडेंट्स को रोक नहीं पाते। अब आई नो कि अब तक हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करने लायक नहीं बना है, बट साइंटिस्टों को चींटी के फॉसिल्स में पैरासिटिक फंगस मिला है ना, वो ये सब कर सकता है। After all, वो चींटियों को एक जिंदा ज़ॉम्बी जो बना रहा है। ये कॉर्डिसेप्स फंगस अपने होस्ट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ में तब्दील करता है, क्योंकि इसी ज़ॉम्बिफिकेशन स्टेज पर उसकी पूरी लाइफ साइकिल टिकी हुई होती है। वही लाइफ साइकिल जिसकी शुरुआत जंगल में पड़े कुछ स्पोर्स के तौर पर होती है, जो किसी चींटी के वहां से गुजरने का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही चींटी उसके पास आती है, ये स्पोर्स अपने आप को उसकी स्किन से अटैच करते हैं और फिर धीरे धीरे करके उस चींटी की स्किन के सभी प्रोटेक्टिव लेयर्स को किसी एसिड की तरफ पिघलाकर उसमें होल बनाते हैं। यानी सिंपल शब्दों में, इस फंगस के स्पोर्स उस बेचारी चींटी के सेल डिफेंस को एक एक करके तोड़कर उसके अंदर एक होल बनाकर उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में घुसते हैं और फिर चींटी के सर्कुलेटरी सिस्टम हेमोकोल में पहुंचते ही वो स्पोर्स उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और काफी तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अब इस मल्टीप्लीकेशन के बाद कॉर्डिसेप्स फंगस अपने सभी अलग थलग पड़े सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हाइफल ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है, और इन्हीं ट्यूब्स की मदद से वो फंगस अपने सभी सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करते हैं। अब जब साइंटिस्ट इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें ये पता चला कि कॉर्डिसेप्स चींटी के ब्रेन को तो हाथ तक नहीं लगा, बल्कि वो इन्हीं हाइफल ट्यूब्स की मदद से चींटी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सो हम बात कर रहे थे कैसे कॉर्डिसेप्स फंगस हाइफल ट्यूब्स की मदद से चींटी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सो ये देखो, इस इमेज में ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर एक हाइफल ट्यूब है और रेड कलर वाला चींटी का एक मसल है। अब होता ये है ना कि ये स्ट्रक्चर इन मसल्स को चीरते हुए आर पार चला जाता है और इस प्रोसेस में वो स्फिंगोसाइन और ग्वानिडाइनोब्यूट्रिक एसिड जैसे कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करता है, जो चींटी के मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। इससे अब वो फंगस जब चाहे तब अपनी मर्जी के मुताबिक चींटी के मसल्स को तोड़ मरोड़ कर उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। यानी इस पॉइंट पर वो फंगस चींटी को अपनी ही बॉडी में एक कैदी या होस्टेज की तरह बनाकर रख लेता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि भले ही उसका दिमाग एक्टिव हो, पर वो चींटी अपने खुद के बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती,
उसका बॉडी बेसिकली हाईजैक हो चुका है और इसके बाद कॉर्डिसेप्स फंगस अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। वो फंगस चींटी को उसके मर्जी के खिलाफ उसकी मौत की ओर ले जाता है। अक्सर वो फंगस कंट्रोल लेते ही चींटी को एक ऐसे पत्ते पर ले जाता है जो जमीन से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होता है और जहां का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती है, क्योंकि ये वही कंडीशंस है जो फंगस के ग्रोथ के लिए एकदम ऑप्टिमल होती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वो फंगस एक ऐसा पत्ता चुनता है जो एंट कॉलोनी के करीब होता है, सो दैट उसके स्पोर्स आगे जाकर दूसरी चींटियों को भी इन्फेक्ट कर सके। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, ये फंगस उस चींटी को अपने मन चाहे पत्ते पर ले जाकर उसे उस पत्ते को काटने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद हाइपोक्सैंथाइन नाम के केमिकल की मदद से वो फंगस चींटी के जबड़ों को ही लॉक कर देता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, चींटी मैंडिबुलर एट्रोफी या डेथ ग्रिप में चली जाती है और अब ये पॉइंट होता है जहां उस मरी हुई चींटी के 75% सेल्स फंगल सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे इस फंगस की फ्रूटिंग बॉडी उस चींटी के सर से बाहर आने लगती है और करीब 6 हफ्तों के अंदर ही अच्छे खासे ग्रोथ के साथ वो एक सर्टेन मैच्योरिटी हिट करती है, जिसके बाद किसी बबल की तरह फूट कर अपने स्पोर्स को आसपास के एनवायरमेंट में उड़ा देती है। याने अब फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़े ये बेजान स्पोर्स फिर किसी दूसरी चींटी से चिपकने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही कोई चींटी इसके करीब आएगी फिर एक बार ये पूरा साइकिल दोबारा रिपीट होगा। एंड नाउ द गुड न्यूज इज, साइंटिस्टों के हिसाब से ये फंगस आमतौर पर वार्म ब्लडेड क्रीचर्स को इन्फेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे बॉडीज के टेम्परेचर उसके लिए सूटेबल नहीं होते। रिसर्च के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के चलते कुछ फंगस ने हायर टेम्परेचर्स पर सर्वाइव करना भी सीख लिया है। मिसाल के तौर पर इसे देखो, इसका मतलब ये है कि शायद वो समय भी दूर नहीं जब ऐसे ज़ॉम्बीफाइंग फंगस अपने आप को हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से भी ढाल ले और हमें इन्फेक्ट करना शुरू कर दे। पर चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इस फंगस ने अगले 10 से 20 सालों में अपने आप को हायर टेम्परेचर के लिए ढाल लिया और वो हमारी बॉडीज में आ भी गए, तो ऐसे केस में ना सबसे पहले हमारा इननेट इम्यून सिस्टम इसे डिटेक्ट करेगा। इसमें होता यह है कि मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते ही IL-6 और TGF बीटा केमिकल्स के जरिए टी हेल्पर सेल्स को T17 सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो अनआइडेंटिफाइड सेल्स दिखते ही उन्हें डायरेक्टली खत्म कर देते हैं। नाउ ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं पूरा इम्यून सिस्टम तो कवर नहीं कर सकता, बट ये मैंने आपको एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव बता दिया एंड आई थिंक इससे आप समझ गए होंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कितना कॉम्प्लेक्स और केपेबल है। पर फ्रेंड्स, ये तो हुआ बेस्ट केस सिनेरियो, लेकिन कुछ ऐसे भी फंगस है जैसे कि द रिंग वर्म, जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम को बाईपास करने का भी रास्ता ढूंढ लिया। और अगर रीसेंट डिस्कवरीज की मैं बात करूं तो साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप के फंगस मिल रहे हैं, जैसे कि हाल ही में मिला हुआ एक एलियन फंगस जो ह्यूमन ब्रेन को तक रिप्लेस करने की ताकत रखता है। अब ये फंगस बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आगे इसे पोटेंशियली एक नया ब्रेन, आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस फंगस के बारे में मैंने यहां पर पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सो क्लिक ओवर हियर एंड वॉच दैट वीडियो। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले माई 11 सर्कल को चेकआउट करना मत भूलना, विन ऑडी का +1 करोड़, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन करोगे तो 1 करोड़ सेकंड प्राइज मिलेगा और फर्स्ट प्राइज और भी बढ़ाए, गेट 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट एंड 1500 ज्वाइनिंग बोनस। Link in description and pinned comment. See you next time. As always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!